जो है निकाली। ओ भाई साहब जी ये देख लो गाइस, तभी मैंने ये दिक्कत आती है यहाँ पर अंदर, यहाँ पर भी गंदगी होगी तो बहुत मुश्किल होगी। यह बता दूँ ये डीजल है। ओके भाई, जो डीजल चैन साफ करके, वैसे इसके लिए जो मैंने आपको बता रखे हैं कौन कौन ऐसा कुछ होता है हाल जब आगे। यह और भाई इसके साथ आपका कैसा रिव्यू गया? वैसे आप दूसरी या बहुत तीसरी बार अच्छा यूज़ कर रहे हो? कैसा? कैसे हैं आप सब? तो आज के यार देख पाओगे, आज जो NS125 है, एंड ये भाई जो NS125 लेके हैं मेरे पास। ऐसा क्यों है आपको बताते हैं थोड़ी देर में। एंड अभी के लिए देखिए, हमारा ड्रैगन जस्ट ऐसे ही यहाँ पर खड़ा है। क्या हुआ? टूल गेट के पास। नहीं ऐसे नहीं होगा भाई, ये मतलब तुमको बताता हूँ इसमें से कहाँ है कहाँ है कहाँ है कहाँ है। पीड़ी है ये कोई यार? पीड़ी ना है, पीड़ी तो रखी है। हाँ पहला तो गाइस वही बात है, जो भाई ने मेरी वीडियो देखी तो वीडियो देखने के बाद भाई कहता है कि चलो मैं भी अच्छे से ऐसे साफ करूँगा। नहीं भाई दूसरी तरफ घुमा, इस साइड जो टाइट होगा। तो भाई जो खोल रहा है ये वाला हिस्सा, तो हमने अभी भी जस्ट बोल्ट होने हैं इसके जस्ट लगाने के लिए साथ में, और जो है फर्स्ट यहाँ पर कर दीजिए, बस ऐसे ही छोड़ दे। वो तो हो गई चौकाना अपनी तरफ से मुझे लगता है। हाँ वो हो गया, अब नीचे से कर ले भाई, ये रहा नीचे। हाँ वो खुल गया, बस ऐसे ही बाहर आ जाएगा ये। तो भाई जो है बहुत चलाता है भाई आजकल, भाई की काफ़ी ज़्यादा भाई की रनिंग हो चुकी है, इस वजह से भाई ने सोचा यार चलो इसको चैन खोल के साफ करते हैं, भाई को भी बढ़िया लग गया। यार बहुत ज़्यादा ये डस्ट लगी है ना, टूटा फटा जाता है भाई, कितनी ज़्यादा लगी है, करने की ज़रूरत है तुमको? लगा दोबारा पड़ गई है? नहीं ये नहीं, भी कर लियो, मैं कहता साथ में क्या, ये यहाँ पर मिट्टी बहुत है, ये सारा कुछ होगा। हाँ ये दोबारा कर लियो इसको, ये सारी करूँगा मैं। अच्छा ये तो करनी है यार, किलोमीटर चल पे सारा। अच्छा हजार चला, इसके ऊपर 1000 चला दिया? हाँ 7-8 बड़ा चला दिया यार। अच्छा 2 मिनट साइड में आ जा, वो आ गया बंदा भाई साहब। देख लो गाइस, तभी मैंने ये वीडियो बनाई थी कि आप लोग भी भाई देखना जरूर ये ऐसी टूल किट मंगाना, क्योंकि भाई हम तो यहाँ से बाहर से साफ कर लेते हैं, बट जो दिक्कत आती है यहाँ पर अंदर, यहाँ पर भी गंदगी होगी तो बहुत मुश्किल होगी। तो बाकी यहाँ पर हाल देखिए, यहाँ पर भी बहुत बुरा लगा है, यहाँ पर भी बहुत अच्छे से हमको साफ करना पड़ेगा, फिर जी इन दी एंड आपकी चैन पूरी प्रॉपर साफ होगी। क्योंकि जरूरी नहीं है आपकी ये वाली पॉकेट साफ़ हों, साथ में गाइस ये भी वाले पॉकेट साफ हों, क्योंकि ये भी जो इंजन साथ कनेक्टेड होते हैं एंड इनका भी जो है साफ़ होना ज़्यादा जरूरी होता है। इसी के लिए गाइस हमने जो है आपको बता दें क्या क्या जो किन से आप घर पर आराम से कर पाओगे। तो सबसे पहले आपको जो है टूल किट की ज़रूरत पड़ेगी, ठीक है। उसके बाद जो है भाई ने यहाँ पर लिया है, बता दूँ ये डीजल है। ओके भाई, जो डीजल चैन साफ करके, वैसे इसके लिए जो मैंने आपको बता रखे हैं कौन कौन से आप यूज़ कर सकते हो लिक्विड्स, बट जो है एक डीजल बढ़िया ऑप्शन है अगर आप उन पर नहीं स्विच करना चाहते, क्योंकि वो 250 से 200 तक आ जाते हैं। बट ये डीजल आपको पता ही है भाई कितना आएगा, आधा लीटर ले लो, लीटर ले लो, बहुत लंबा चलता है। बाकी जो भाई ने इस डीजल को हमने इस पर डाल दिया, वैसे कोई कॉली बात नहीं, कमेंट में मत करना ये कहाँ कहाँ पर डाल दिया डीजल, ठीक है, हमको कुछ मिला नहीं तो इसमें हमने डाल दिया। बाकी जो है भाई यहाँ पर प्रॉपर से साफ़ करेगा, उसके बाद जो है नेक्स्ट आपको दिखा दे देंगे। और ये रही, इसके बारे में आपको पता ही है, ये हमारी चैन लूप, ये सबसे आखिरी में काम आती है। सो हाय, तो गाइस आप ये देख सकते हो कि हम लगे हुए हैं, बट ऑफ द कैमरा मैंने अभी के अभी जस्ट इसको साफ़ करके रखा है, एंड भाई अभी कर रहा है अपने चैन पॉकेट्स को कर रहा है साफ। तो आप देख लीजिएगा, जो भी आप घर पर कर रहे हो तो आपको पता है, अगर आप बाहर से चैन करवा रहे हो तो आप काफ़ी जो है अराउंड 100 रुपये पे करने पड़ते हैं, वहाँ पर भी जो है अच्छे से ऐसे नहीं साफ़ किया जाता जो घर पर बात होती है, कितनी ज़्यादा गंदगी है देख रहे हो। ऐसा कुछ होता है हाल जब आ गए भाई, हाथ की सफाई सबसे ज़्यादा बढ़िया होती है, बिल्कुल बड़ी काम किया है। इसके साथ मैंने आपको बताया था पूरी बाइक भी खोल सकते, बाकी गाइस आप हाथ देख सकते हो, हाथ गंदे हो चुके हैं, क्योंकि चैन साफ़ करो तो हाथ गंदे ना हो तो ऐसा कैसे हो सकता है, पता कैसे चलेगा हमने चैन साफ़ करी है। और इस बाइक के भी हाथ देखो यार, इसके भी बाइक के हाथ पूरे गंदे, चैन वगैरह तो सबसे काम होना ही होना है भाई। बाकी जो है चैन पूरी प्रॉपर यहाँ से भी अपनी क्लीन करनी है, इसके टीथ वगैरह भी करने हैं, और देखो यार पूरी की पूरी चैन भाई भाई ऐसे करने की जरूरत नहीं, बस ऐसे एक बार ऊपर ब्रश मार, मोटी मोटी जो मिट्टी है सारी उतर गई, उसके बाद जो है एक बार इसके ऊपर ब्रश मार दे सारा, ठीक है, इसके ऊपर मोटी मोटी मिट्टी उतर गई, उसके बाद जो है एक सूखे कपड़े से पूंछ दे, चैन हो गई, तब भी ये चलेगा। तीत करने जरूरी है, चैन करनी जरूरी है, और यहाँ से हमने ये कर ही लिया, ठीक है। तो भाई यहाँ पर छोड़ 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 एक मिनट छोड़ छोड़ ऐसे कर रहा था कि यहाँ पर भी करते रबड़ों के लिए ला रखी है ना सॉफ्टली है।
नहीं रबर इसके नहीं, ताकि नीचे उसके साथ टच ना हो जैसे के साथ। सो गाइस अब जो है चैन वगैरह हमने पूरी ए बाचो लगाइयो सबसे पहले यहाँ पर। सो यहाँ पर मार दे फिर नेक्स्ट सारा ये कवर कर लियो। और फिर से ये ओके कंपनी का लुब्रिकेट है, ठीक है, सबसे बढ़िया काम करता है मुझे लगता है, क्योंकि मैंने खुद से यूज़ किया एंड भाई ने भी मैंने रिकमेंड किया है। और भाई इसके साथ आपका कैसा रिव्यू गया वैसे, आप दूसरी या तीसरी बार यूज़ कर रहे हो, कैसा लग रहा है? वन बार यूज़ कर रहे हैं। वैसे आप सजेस्ट करोगे लोगों को, सजेस्ट करोगे ये परचेज़ करने के बारे में? ऐसे गाइस कोई भी स्पॉन्सर वीडियो नहीं है, हमने अपना इससे हमने इसको यूज़ किया, बहुत अच्छे से काम करता है, इस वजह से आपको सजेस्ट कर रहे हैं, ताकि आपको बताइए यार बाइक्स वगैरह कितनी इंपॉर्टेंट होती है, खास करके चैन क्लीनिंग, इस वजह से आप लोगों को सजेस्ट करें। वैसे कोई भी स्पॉन्सर वीडियो नहीं है, बाकी स्पॉन्सर करना चाहते हैं जरूर से स्पॉन्सर करना। एंड करिए भाई शुरू करते, वो इसका स्टो लगा लो, स्टो स्टो नहीं है इसमें, हो सकती है स्टो नहीं लगाए तुम इसकी, स्टो से बढ़िया काम होता है यार। चलो कोई बात देखो गाइस, देखो भाई कैसे करना है, तो लुब्रिकेट लेना आपने, जैसे स्टार्ट कर लो सर, स्टार्ट कर लो जी। वैसे मैंने ये गाइस खोल रखा है, और बाकी जो है खोल के आपने आराम से प्रॉपर इधर आए भाई, ध्यान से दिखा दिया देखो, पहले आपने ये वाला हिस्सा जो है स्प्रॉकेट है पूरा का पूरा इसको रखना है, क्योंकि ये वाली चीज़ सबसे ज़्यादा काम आएगी, ठीक है। तो अच्छे से करने के बाद फिर नेक्स्ट आपने जो है पूरा चलाने को शुरू करना, चलाना मैं ना चांद चलाने की जरूरत नहीं भाई। जो है जहाँ पर काले धब्बे थे वहाँ पर पूरा कर दिया, एंड देखो अब जो है चैन और मिट्टी की कचकच की आवाज़ बिल्कुल नहीं आ रही है, अब जो है चैन पूरी प्रॉपर से हो रही है, सुनो अब पूरी चैन प्रॉपर से हो रही है, बाकी जो है हाथ वगैरह तो आपके गंदे होंगे तो नेवर माइंड, बाकी जो है आपने देख लिया। वैसे देखा जाए तो ओके कंपनी का लुब्रिकेट बहुत अच्छा है, बाइक के लिए अच्छा अच्छे से काम करता है। आई होप आपको आज की वीडियो अच्छी लगी होगी, वैसे ये वीडियो एक रैंडम सी बन चुकी है, रैंडम बनी है, हमने वैसे कोई चॉइस नहीं था वीडियो बनाने का। वैसे आपको वीडियो कैसे लगी तो नीचे कमेंट सेक्शन में जरूर बताना, और चाहते हो कि आगे और ऐसी इन्फॉर्मेशन वीडियो मिलती रहे चैनल को नीचे सब्सक्राइब कर लेना, सब्सक्राइब का बटन मिल चुका है। तो अमन जी हो गया फर्स्ट क्लास आपका, ठीक है। तो लगाइए आज की वीडियो यहीं खत्म करते हैं, आपको आपको वीडियो अच्छी लगी नहीं, और मुझे ये भी पता नहीं जाना, वैसे हमने जो है न्यू फ़ोन ले लिया है, ओके इसकी कैसी कैमरा क्वालिटी है, ऑडियो क्वालिटी है, नीचे कमेंट करके जरूर से बताना।